प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आपके पास्ट टेंस के लिए है। इसमें आप पास्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में और उसकी पहचान और कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये पूरा का पूरा जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रॉपर जानकारी आपको मिल सके और एक विशिष्ट जानकारी मिल सके। हिंदी में इसकी पहचान है कि जो भी वाक्य के अंत में ता था, ता थी, ते थे आदि शब्दांश आते हैं, यदि ये नहीं आते हैं तो वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि की स्वर की ध्वनि आती है। और इसमें कुछ एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यस्टरडे, एगो, वंस, लॉन्ग एगो, वन डे, लास्ट, एनी टाइम, किसी समय के लिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है, इस टेंस में सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। मेन वर्ब यदि वाक्य साधारण हो, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो मुख्य वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मुख्य मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है, अन्यथा डिड के साथ इसका इसमें प्रयोग फर्स्ट फॉर्म का ही किया जाता है। कुछ विशिष्ट नियम देख लें इसके, और विशिष्ट नियमों को देखने के बाद ही आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सभी सेंटेंसों की बनावट, उसकी वाक्य का फार्मूला कैसे होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। इसलिए कुछ विशिष्ट नियमों को जो किसी अन्य ट्रांसलेशन की किताबों में आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो मैं आपसे ही कहूँगा कि इन विशिष्ट नियमों को अवश्य देखें। ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। किसको? ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम, उसके बाद इसका सेकंड फॉर्म किल्ड, किल माने मारना होता है ना, उसके सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें किल्ड रावण। भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पढ़ने जाते थे, तो वी वेंट टू स्कूल टू रीड। सिंपल सेंटेंस देख सकते हैं अब इसका फार्मूला क्या है। सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, सब्जेक्ट होगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड जो भी होगी एटसेट्रा। साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और एक चीज़ बता दो, केवल अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, अन्यथा किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं इसमें कि वे बाजार गए थे, दे वेंट टू मार्केट। हमने पैसे इकट्ठे किए, वी कलेक्टेड मनी। चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, द बर्ड सर्च्ड वाटर हियर एंड देयर। द बर्ड सर्च्ड वाटर हियर एंड देयर। नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं कि इसमें डिड का प्रयोग किया जाता है, और डिड के बाद नॉट का प्रयोग करने के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य वर्ब। हमने टिकट नहीं लिए, मतलब वी डिड नॉट टेक टिकट्स। उसने मुझे सताया नहीं था, सहायता नहीं की थी, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। क्या होगा? ही डिड नॉट हेल्प मी, डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रेन डिड नॉट पे अटेंशन। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। डिड का प्रयोग जो भी जिन प्रश्नों को उत्तर हाँ या नाम दे सकें उसके लिए डिड का प्रयोग पहले करेंगे, और जिन प्रश्नों का हाँ या नाम न दिया जा सके तो उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड, जो भी प्रश्नवाचक शब्द हो उसका प्रयोग करके फिर डिड का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, जैसे क्या तुमने मोहन को देखा, इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या नाम दे सकते हैं, तो डिड यू सी मोहन। वह कहाँ रहती थी, इसका उत्तर नहीं दे सकते हाँ ना में, तो उसमें वेयर, मतलब कि डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग, वेयर डिड सी लिव। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट। यदि सेंटेंस हु से आरंभ हो तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डब्ल्यू एच, मतलब एच डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे चोरी कौन करता है या करता था, हु स्टील्स या हु स्टॉल। तुम्हारी पुस्तक किसने ली, हु टुक योर बुक। रोजाना मंदिर कौन जाता, हु गोज टू टेम्पल डेली।
इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें डिड के लगने के साथ साथ नॉट का भी प्रयोग कर दिया जाता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा दिया जाता है, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डिड और सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं इसमें कि जैसे क्या तुम विद्यालय क्यों नहीं गए थे, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्यों, वाई, फिर डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या उसने खाना नहीं खाया, डिड ही नॉट ईट, क्या यह मेरा इंतज़ार नहीं करती, तो क्या हो जाएगी, डिड सी नॉट वेट फॉर मी। इस तरह से आपने सारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन आपको बताए गए हैं। आप अपने नए नए सेंटेंसों को ट्रांसलेट करिए और इसमें कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा आपने वीडियो को पूरा देखा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।